मित्रों सब्सक्राइब करो इस चैनल को और दबाओ इस घंटे को ताकि आप लोग देख सकें वीडियो सबसे पहले। हेलो, बनाए अपने मनपसंद गानों को अपना कॉलर ट्यून। इस गाने के लिए एक दबाएं। स्वैग वाली टोपी मेरी स्वैग वाली टोपी। इस गाने के लिए दो दबाएं। इस गाने के लिए तीन दबाएं। चल बाजड़ी के। Hey, what's up beautiful people and welcome to Sanju Creations। यार जिस सिंगर का इंतजार ना मैं महीनों से कर रहा था उस सिंगर का आज गाना आया है। हाँ यार ये वही सिंगर है जिसके गाने सुन के ना कई लोग कुआं में चले जाते हैं और कुछ लोग तो यार सदमे से मर ही जाते हैं। तो स्वैग वाली टोपी और दारू 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 नामक आइटम बम गिराने के बाद ढिंचक पूजा वापस आ गई है यूट्यूब पे अपना कहर ढहाने के लिए। यार मैं इस बंदी का ना बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर मेरा डॉक्टर मुझसे बोलता है कि मेरी जिंदगी में सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं तो मैं 3 मिनट ना इसके गाने सुनने में लगा दूंगा और 1 मिनट में अपना गला दबा के मर जाऊंगा। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि बाकी का 1 मिनट कहाँ गया। तो भाई 1 मिनट ना मैंने झूठ बोलने में लगा दिया। तो हमारी और आपकी फेवरेट सिंगर ढिंचक पूजा ने इस बार यूट्यूब पे एक नए वस्तु के साथ प्रवेश किया है जिसका नाम है सेल्फी। यार इसकी वीडियो का खौफ ना मैं अकेले नहीं झेल पाऊंगा। चलो साथ में शुरू करते हैं। यार ये ऑडी का साइन दिखाना ना बहुत जरूरी है इस वीडियो में। अरे यार ऐसे ही तो मालूम पड़ेगा कि ढिंचक पूजा का बजट कितना है। और उससे भी यार कहीं ज्यादा जरूरी है कार की छत को तोड़ के सेल्फी लेना। नहीं यार पूजा तू एक बात बता, इतनी महंगी गाड़ी ले ली, इतना महंगा DSLR ले लिया, कम से कम महंगा यार महंगा वीडियोग्राफर तो रख लिया होता, ढंग की वीडियोग्राफी तो की होती यार, इतने यार कैमरे हिलाने की क्या जरूरत है। सेल्फी मैंने ले लिया। हाँ ठीक है ले ली सेल्फी तूने। सेल्फी मैंने ले लिया। हाँ समझ गया यार कि तूने सेल्फी ले ली है। सेल्फी मैंने ले लिया। यार इसके गाने का टाइटल ना सेल्फी मैंने ले ली आज है, लेकिन जितने फोटोज इसने दिखाए हैं उसमें से अधिकतर फोटो सेल्फी नहीं है यार। सेल्फी पता है भैया सेल्फी क्या होता है। सेल्फी लेना ही। यार इस बंदे को ना ध्यान से देखो और आओ यार मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ यार ये लड़का इस बकचोदी को देख के क्या सोच रहा है। यार इस लड़की को तो मैंने कैरेमिनाटी के वीडियो में देखा था। अरे ये तो ढिंचक पूजा है जो दारू बेचती है। भागो भागो जल्दी भागो वरना मेरी भी इज्जत यूट्यूब पे लूट जाएगी। क्या अंकल धोखा धोखा हुआ है। यार अभी ना कुछ सेकंड्स पहले ये लड़की इस लड़के को अपना दोस्त बता रही थी और अब इसे हटा के ऐसे अंकल बोल रही है। चलो यार वो सब छोड़ो, सीधे पीछे वाले बंदे को देखो यार कितना खुश लग रहा है। वो सोच रहा है कि इस लड़के को हटा के अब ये ढिंचक पूजा मेरे साथ सेल्फी लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यार इसके गानों में ना जो लिरिक्स नामक चीज होती है उसमें बस चुतिया पे भरे होते हैं और वो कविताओं की तरह दिखाई देते हैं यार, बस चुतिया पे फैलाया हुआ है। ओ हो, इस सीन के बाद ना यार ये जो गाना है वो प्रैंक का मोड ले लेता है जिसका नाम है हॉट गर्ल आस्किंग फॉर मेन साइज। तो आओ देखते हैं यार क्या मिलता है इस प्रैंक में। ओए सुन तेरा कितना बड़ा है। मेरा तो बस इतना सही है, मेरा तो इतना बड़ा है। अबे ओए तेरा कितना बड़ा है बता। मेरा तो दिखता ही नहीं है। यार इस लड़की के बकचोदियों का तूफान ना इतना तेज रहा कि 2 ही दिन के अंदर इसके गाना जो है वो YouTube इंडिया के ट्रेंडिंग पेज पे आ गया। तो यार आज के लिए बस इतना ही, और अगर तुम लोग का ये वीडियो ना जरा सा भी अच्छा लगा हो तो बिना लाइक किए मत जाना, बिना कमेंट किए मत जाना और बिना शेयर किए मत जाना। और अगर तुम लोग मेरे चैनल पर नए हो तो जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो और जल्दी से मुझे 500 सब्सक्राइबर्स पहुँचा दो। ये मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट सैटरडे को। तब तक के लिए गुड बाय।